मैं पहुंच गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि कहीं काम नहीं मिला तो बस आसरा रह गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। देखते हैं यहाँ से ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी या फिर खाली रहना पड़ेगा। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 18 जनवरी 2023, टाइम हो रहा है 10:10। मैं पहुंच गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि कहीं काम नहीं मिला तो बस आसरा रह गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। देखते हैं यहाँ से ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी या फिर खाली रहना पड़ेगा। आज अपने पास अपना कोई पर्सनल काम बाहर का नहीं है, तो आज है ओला उबर के सहारे। ओला उबर में देख रहे हैं बाहर की ड्यूटी, दिल्ली से बाहर की कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ बताएंगे इसी ब्लॉक में। ब्लॉक लास्ट तक देखना, अभी वेट करेंगे 2-3 बजे तक, उसके बाद देखेंगे लोकल करेंगे या फिर क्या करेंगे पता नहीं, अभी इसको डिसाइड नहीं करा है। फाइनली आपको एंड में जाके पता लगेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे ट्राई करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे तो साथ शेयर भी कर दो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पर देख रहे हो कमेंट बॉक्स चेक करो, बाकी स्क्रीन पर भी आ रहा है तो कर लो फटाफट से इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो। हम कर लेते हैं फटाफट से आज का ब्लॉग स्टार्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गो। हो गया शाम के 5:30 और मैंने अपनी गाड़ी हिलाई नहीं है, सुबह से यहीं खड़ी है गाड़ी और सुबह से कोई बुकिंग आज फ्रॉड भी नहीं आई है मेरे पास, और ना कोई ओरिजिनल आई ना फ्रॉड आई, और लोकल मैंने ऑन करी नहीं क्योंकि सो गया था मैं 1 बजे के आसपास, सो गया गाड़ी में और अभी उठा हूं। और सो इसलिए गया था क्योंकि कल रात को मैं 2-2.5 बजे तक सो पाया था वीडियो एडिटिंग करके, और 2:30 बजे सोया हूं, और सुबह 6 बजे हमारे सब्सक्राइबर का फ़ोन आ गया, बोले भैया हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए बहुत दिनों के बाद, आप कहाँ पे, आप इधर ही रहते हो? तो मैंने कहा इधर ही खड़ा हूँ। तो नहीं 5:30 या 6 बजे मुझे उठा दिया आके, मैंने सोचा चलो मिलते हैं, हो सकता है कोई बाहर के सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन बाहर के नहीं थे, नोएडा के थे। सुबह और कुछ सब्सक्राइबर हमारे रात के 2 बजे वीडियो देख रहे हैं तो 2 बजे ही फ़ोन लगा देते हैं, विक्की भाई आपकी वीडियो देख रहा था और ये चीज़ पता करनी है। तो मतलब कोई भी फ़ोन करने का टाइम होता है ना, और मैं रात को 11-12 बजे 1 बजे तक सो पाता हूँ, और सुबह 5:00 से 6:00 बजे उठ जाता हूँ ड्यूटी के लिए, तो समझो 2-3 घंटे 4 घंटे ही सो पाता हूँ। उस बीच भी लोगों की कॉलें आ जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल मतलब पिक करता हूँ, ऐसा नहीं कि मिस कॉल आ गया बैक कॉल नहीं करना या फिर किसी का फ़ोन नहीं उठाना, जिस टाइम भी फ़ोन आता है फ़ोन उठा लेता हूँ, जब फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ जब मेरे साथ कस्टमर होते हैं बस, बाकी कभी भी सोता हुआ अगर मैंने सुन लिया तो फ़ोन 110% उठाऊँगा। तो अभी बहुत काम मुद्दा चल रहा है और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई यहाँ पे, और देख रहे हो ना सब तरफ गाड़ी खड़ी है, आज किसी के पास काम नहीं है देख रहे हो। और जो लोग कहते हैं ना लाख रुपए का काम है ओला उबर में, इतने का काम बिल्कुल भी नहीं है इस समय पे, और इस समय करीब 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच तो अच्छा चला था, 4 तारीख के बाद इतना बड़ा मुद्दा आ गया कि लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं। लोकल में भी 1000-1500 तक का काम हो रहा है, वैसे 2500-3000 तक का पहुँचता था, लेकिन जब से काम में कम हुआ है ना तब से लोग काफ़ी परेशान है। लेकिन अधिकतर मेरे पास काम ज़्यादा रहता है, मेरे पास 3-4 ऑप्शन है ना, एक तो यूट्यूब से मिल जाता है, फेसबुक से मिल जाता है, और ओला उबर ऑन कर लेता हूँ जिस दिन नहीं होता है। लेकिन अभी मैं भी खाली बैठा हूँ, हालांकि जितने भी मेरे ड्राइवर पार्टनर हैं मेरे साथ के, सबसे ज़्यादा मेरे पास काम रहता है, मैं लोगों को देता भी हूँ, लेकिन इस समय मैं भी खाली बैठा हूँ। आज देखो पूरा दिन हो गया, 12 बजे सोया था अभी उठ गया हूँ, तो मैंने कहा चलो बात करते हैं आप लोगों से, और सभी गाड़ी खड़ी हैं देख रहा हूँ, किसी की गाड़ी नहीं हिल रही है देख रहा हूँ ना एंड तक हालत ख़राब है काम की। तो इस लाइन में आने से पहले भाई सोच विचार करके आओ, और लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आओ कि 1 लाख कमाओ 2 लाख कमाओ, ऐसा कुछ नहीं है, काम उतना ही है जितना था पहले, थोड़ा अप डाउन होता रहता है, कभी अच्छा हो जाता है कभी ख़राब होता है, तो अभी फ़िलहाल काम कम है। तो अभी चलते हैं, पी लेते हैं चाय वाय, हम मुँह धुल लेते हैं क्योंकि तो अभी नींद हो चुकी है, तो रात में इंतजार करेंगे और देखेंगे कोई बाहर का मिल गया तो चले भी जाएंगे, नहीं मिला तो 1-2 ड्यूटी कर लेंगे छोटी मोटी आसपास की जो बढ़िया सर्च में आ जाएगी अच्छे रेट में, नहीं तो फिर अपना तो आज का दिन ऐसा ही निकल गया खाली खाली। चलो अभी चाय पीते हैं, मिलते थोड़ी देर के बाद। गाइस अभी मैं पहाड़गंज ही बैठा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, अभी तक बुकिंग नहीं आई और टाइम हो गया देख रहे हो 10:54, 11 बजने वाले हैं, ड्यूटी आई नहीं है और नींद आ नहीं रही है क्योंकि दिन में आज मैंने सो लिया था, दिन में 3 घंटे सो लिया क्योंकि 24 घंटे में 3 या 4 घंटे लास्ट 5 घंटे ही सोता हूँ, अगर दिन में सो लिया तो वो ही रात में जगना पड़ेगा, तो आज रात में नींद नहीं आनी है। गाड़ी में बैठा हूँ, कम्बल ओढ़ लिया, ठंड लग रही है हल्की हल्की, हीटर ऑन करा था, तो वेट कर रहे हैं बुकिंग का, और अभी 2-3 ड्राइवर पार्टनर और भी हैं हमारे यहाँ पे क्योंकि मैं घर जाने को था, तो वो बोले कहाँ घर जाओगे रात में, उसका ड्यूटी बच जाए इधर ही रुक जाओ, तो इधर ही रुक गए, खाना पीना खा चुके हैं, अभी गाड़ी में रेस्ट कर रहे हैं, ड्यूटी बच गई तो ले जाएंगे क्योंकि नींद आ नहीं रही है तो जगना ही है, मोबाइल देख रहे हैं, बाकी वीडियो एडिटिंग करूंगा तो 2-3 तो बच जाएंगे सोते सोते, 2 बजे के बाद ही सो पाऊंगा अगर नींद आ गई तो, और हो सकता है ड्यूटी आ गई तो निकल भी जाएंगे। असल में ना
काम ओला उबर का इतना नीचे पहुंच गया है कि लोकल में भी तीन चार गाड़ी काम करके आई है दिन में, तो 1,000 रुपए का काम हुआ है आर्टिका गाड़ी पे। छोटी गाड़ी का तो शायद ज्यादा हो जाता है, लेकिन आर्टिका गाड़ी पे किसी ने 1,000 का कराया, किसी ने 1,100 रुपए का कराया, बताइए। अब मैंने लोकल की ऑन ही नहीं करी इसी चक्कर में, मैंने देखा लोगों को 1,000 का काम हुआ है तो मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा कोई ड्यूटी लेके 300-400-500 रुपए की, उधर खड़ा रहूंगा या फिर वापस आना पड़ेगा, तो मैं गया ही नहीं, ना मैंने लोकल ऑन करी। तो आज का दिन थोड़ा सा ऐसा ही निकला है, लेकिन कभी कभी 1-2 दिन काम नहीं आता ना, फिर अच्छा नहीं लगता। पर डे काम मिले तो ठीक है, अपने पास तो पर डे काम रहता था, लेकिन अभी थोड़ा हर जगह से थोड़ा कम है, तो अपने पास भी कम है, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद ठीक हो जाएगा। बाकी ओला उबर का कभी कभी ये एप्लीकेशन ना हैंग करने लगता है, तो क्या होता है कि काम मिलना भी कम हो जाता है, और कभी कभी रेट इतने ज्यादा कर देते हैं ना, तो कस्टमर बुक ही नहीं करते हैं गाड़ी, और हमारे लिए कम ही मिलता है, क्योंकि 10 से 10,000 का बुकिंग है, 10,000 की बुकिंग पे ओला का कभी 2,000-2,500 तो ओला ले लेगा, बाकी टैक्स चला जाएगा 5%, बाकी उधर का चार्जेस लगा के 10,000 की बुकिंग पे 3,000-3,500 रुपए काट लेगा, कोई फिक्स नहीं है इसका, ऊपर भी काट लेता है, कम भी ज्यादा भी काट लेता है। तो क्या होता है ना, उससे हमारे लिए बहुत ही कम पैसा मिलता है, लेकिन राइडर से पूरा पैसा आता है, तो राइडर को रेट थोड़े ज्यादा रहते हैं ना, तो राइडर कम बुक करते हैं, इनका रेट कुछ ठिकाना नहीं है, कभी इतना हाई कर देंगे, कभी कम, कभी यहाँ से हरिद्वार का ज्यादा करेंगे, कभी कम करेंगे, तो लोग बुक नहीं करते हैं ना। असल में सभी राइडर लोगों से रिक्वेस्ट है, ड्राइवर जो भी ड्राइवर आपका नजदीक वाला है या जान पहचान का, उसका नंबर ले लो ना, डायरेक्ट बुक करो गाड़ी, डायरेक्ट कमीशन भी बचेगा, आपको गाड़ी सस्ती भी पड़ेगी और सर्विस भी बढ़िया मिल जाएगी। तो अभी मैं यहीं पर सो जाता हूँ, सोने की कोशिश करूंगा, अगर नींद आ गई तो सो जाऊंगा, नहीं ड्यूटी आ गई तो लेकर निकल जाऊंगा। तो देखते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सुबह तक ड्यूटी एक दे देना, यहाँ से निकल जाएं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में बैठे बैठे काफी परेशान हो चुके हैं। देखते हैं, अगर मिल जाएगी ड्यूटी तो अपडेट करेंगे, नहीं मिलेगी फिर आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आपसे आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। And I